जोहार साथियों, आज मैं हूँ जिला कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा पर और आज गुणवाना गणतन पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर। जिस तरह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनको लेकर गुणवाना गणतन पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो मैं ले चलता हूँ आपको लाइव के माध्यम से गुणवाना गणतन पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो कि यहाँ पर मौजूद है और वो उन ग्रामीण लोगों को भी ये देख रहे हैं आप, जो आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी है और ये पूरी वीरांगना रानी दुर्गावती हमारे साथ आज खड़ी हुई है कंधे से कंधे मिलाकर। साथ ही गुणवाना गणतन पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो लीजिए मैं लाइव के माध्यम से गुणवाना गणतन पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमरे जी के पास रख लेना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज ज्ञापन किस उद्देश्य को लेकर दिया गया। तो ये रहे हमारे, परिचय दीजिए महोदय जी आपका। मैं प्रकाश कुमरे, जिला अध्यक्ष गुणवाना गणतन पार्टी। आज रागना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में गुणवाना गणतन पार्टी राष्ट्रीय आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या, सभी वर्गों की समस्याओं को लेकर आज हम 13 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ये जो आज आपने ज्ञापन दिया है, अगर इस पे सुनवाई नहीं होती तो आगे चलकर गुणवाना गणतन पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? हमारी जो 13 जो मांगे को लेकर हम लोग जो ज्ञापन दिए, यदि शासन प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम सभी प्रकार के आंदोलन चरमबद्ध तरीके से करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो बीजेपी की सरकार रास्ते पर आके अंध नंगे तरीके से कई तरीकों से आंदोलन करती थी। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश पर है, लेकिन कांग्रेस का कोई पदाधिकारी ना तो आंदोलन कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो इससे एक बात, एक ही घोड़े पर सवार है। तो आगे चलकर जो तीसरी शक्ति कहलाई जाती है गुणवाना गणतन पार्टी, तो इसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है? हमारा ये है कि आने वाले समय में हम लोग जो जनमानस की जो समस्या है, जैसे आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। और गुणवाना गणतन पार्टी जमीन स्तर से जुड़ी हुई है और हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी को समस्या, चाहे किसी कोई भी गरीबी हो, STSU में सारे लोगों की समस्या को जनमानस तक पहुँचाने का काम। एक और चीज़ अभी हम लोगों ने देखा कि कोरोना के कारण काफ़ी जो ऑक्सीजन की कमी से लेकर गांव में, क्योंकि हम लोग अक्सर गांव में ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, तो गांव में ना डॉक्टर की व्यवस्था थी, ना ही हमारे ब्लॉक स्तर से कोई सामुदायिक केंद्र में जो डॉक्टर रहते हैं वो गांव-गांव तक उपस्थित नहीं थे। पूरी व्यवस्था संभाली थी तो गाँव के झोला छाप डॉक्टरों ने। तो इसको लेकर भी गुणवाना गणतन पार्टी का क्या रुझान है, इस बारे पर भी आप बात रखें। कोरोना काल में जो भी महामारी फैली हुई थी, शासन प्रशासन का सिर्फ ध्यान था जिले में और ब्लॉक मुख्यालय, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे हमारे कई ग्रामीण इस कोरोना काल में अपने मृत्यु के गाल में समा गए हैं और उन्हें आज तक कोई भी आर्थिक सहायता राशि नहीं मिली है और इस कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आपके सभी लोग क्या अलग अलग ले लो। आपके ज्ञापन में एक मुद्दा था, कोरोना काल में COVID-19 से जिस परिवार में मृत्यु हुई है उन्हें 15 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो इसको लेकर अगर 15 लाख रुपए अगर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है, तो इसको लेकर तमाम सामाजिक संगठन, चाहे गुणवाना गणतन पार्टी हो, छिंदवाड़ा में और भी तमाम तरह के जो संगठन काम कर रहे हैं, इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग साथ दें, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी से लेना देना तो है नहीं, हर वर्ग से लेना देना है। तो हर कोई लोग इस पे साथ दें और सहयोग दें। तो और भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो मैं और आपसे चर्चा करना चाहता हूं हमारे बीच पर। इसमें थोड़ा मैं कहना चाहूंगा, कोविड 19 के बारे में एक बात कहना चाह रहा हूं, थोड़ा लाइव चला। शिव प्रसाद कुमरे जी हैं जी, उनका ले लो फिर। शिव प्रसाद कुमरे जी हमारे बीच पर कुछ बातें रखना चाहेंगे। आज गुणवाना गणतन पार्टी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के द्वारा रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम 13 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा गया। यदि ये जो मांगे हैं पूरी नहीं होती है तो गुणवाना गणतन पार्टी आगामी समय में पूरे जिले में उग्र आंदोलन करेगी और हो सके तो चक्का जाम करने की यदि आवश्यकता पड़ती है तो यह चक्का जाम करेगी गुणवाना गणतन पार्टी में। श्री प्रसाद कुमरे, जिला
सुनील उपाध्याय। मैं सुनील त्रिपाठी जिला अध्यक्ष गोमपा ब्लॉक पांडुर्ना। आज जिला मुख्यालय के सभी गोंडवाना के कार्यकर्ता, गोंडवाना के जिला कार्यकर्ता एवं समस्त पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमरे जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई अमरवाड़ा से चेतन कुमरे जी और श्री प्रसाद कुमरे जी एवं तमाम सहयोगी मेरे आज जिला मुख्यालय के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और इन 13 सूत्री मांगों को लेकर हमने सभी रूपरेखा तैयार की है। आगामी आने वाले समय में यदि हमें धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े हम उसके लिए तैयार है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सभी समुदाय के सभी वर्गों के लोगों को कोरोना काल में बहुत आपद स्थिति आई है। आपद कारणों से हमारी समाज बहुत गरीबी, लाचारी, बेचारी से जूझ रही है। इस कारण ये जो बीजेपी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे रही, इसलिए हमने मिलकर सभी तय किया है कि आने वाले आगामी समय में बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे मैं आपका परिचय, मैं कृष्णा ध्रुवे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सचिव। साथियों, आप सभी ने देखा है कि आज हम जिन मूलभूत समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, ये सिर्फ हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास और जो किसान मजदूर हैं इन सभी के लिए है। जो अब अच्छे मतलब अमीर लोग हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो अच्छे करोड़पति हैं, पैसे वाले लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे ST SC OBC के लोग हैं और अल्पसंख्यक के लोग हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी हम इन सभी को हो रही है। तो मैं यही शासन प्रशासन और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि इन समस्याओं को हमारा समाज जो बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और जो कोविड काल में जो हमारे लोग, जो हमारे जितने भी समाज के लोग हैं और जितने भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उन्हें तत्काल राहत राशि मिले और उन्हें जो 1 लाख की जगह है 15 लाख रुपए मिले, ऐसी हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं। जय सेवा, जय बड़देव, जय गुण माना। ठीक है, चेतन कुमरे, गुण माना गणतंत्र पार्टी कला कमरवाड़ा से। मैं आज हम सब लोग गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिला छिंदवाड़ा के तमाम ब्लॉक से मात शक्तियाँ यहाँ पर निम्नलिखित मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारी जो विभिन्न मांगे हैं, निम्नलिखित मांगे हैं जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपे हैं, वो हमारी पूरी मांग पूरी होना चाहिए। खास करके थाना प्रभारी जो घटना हमारे आदिवासियों के महिला के साथ किया है, उसकी FIR होकर उस पर केस पंजीबद्ध होना चाहिए। और मैं अमरवाड़ा से तमाम ST SC OBC भाइयों के साथ जुड़कर एक किसान आंदोलन भी चालू कर दिया हूं मैं। और हमारे छिंदवाड़ा जिले के जो किसान हैं, कृषि के बारे में बहुत कम जानकारी है उनको, क्योंकि जो भाजपा सरकार ने जो 3 बिल काला कानून हमारे देश के लिए लागू किया है, किसानों के लिए लागू किया है, वो हमारे लिए कोई फायदे का कानून नहीं है। उसका भी हम विरोध कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से। जो 3 बिल है, जो ठेका की खेती चालू होने वाली हमारे देश में, वो बंद होना चाहिए, उसका भी हम जोरदार विरोध कर रहे हैं। और भाजपा सरकार जो हमें इस बिल को लागू करने के लिए यहाँ पर सब किसानों के लिए लोभ लालित कर रही है, वो आपको समझना होगा कि ये बिल हमारे लिए हितकारी नहीं है। और आप इस आंदोलन में साथ दें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साथ दें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए, थोड़ा परिचय बताते आज रानी दुर्गावती पे 13 सूत्री मांग को लेके आए हैं। हमारी जो मांगे हैं, आज के दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, ये महंगाई को लेके ही ज्ञापन दे चुके हैं। तो अगर प्रशासन इस पर अपनी कोई बात नहीं बताते या सहयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग इसके लिए आगे की तैयारी जरूर से अपना कहते हैं। ले चलते हैं आपको। देखो, एक जून को हमारे
हमारे घर में अंगार लग गई है ना पूरा, तो उसके कारण क्या हुआ कि कोई भी आए, सब आए, नगर पालिका आई, विधायक आए, सब ने दी, मगर किसी ने अभी तक तो कोई राशि नहीं दी। मेरे घर में दुकान थी, घर का सामान था, जनरल स्टोर था, पूरा का पूरा चल गया, और ऐसी कोई राशि किसी से प्राप्त नहीं हुई। हमें तहसील कलेक्ट हुआ है लेकिन उनके पटवारी वगैरह सब, तो इसलिए आज इधर आवेदन दिए हैं सर, उससे कुछ मदद मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आज मैं झोरी लाली उन्नाती गुणवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो मैनेजमेंट तैयार की है उससे मुझे विश्वास है कि संपूर्ण भारत में और मध्य में देने जाएंगे यदि इलेक्शन हुआ तो। आज 13 सूत्री मांगों को लेकर और हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि यह एक माह के भीतर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में आर पार का आंदोलन करने जाएगी, और इस आंदोलन में जो भी क्षति होगी उसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी, क्योंकि आदिवासियों के साथ में जो छल कपट अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसे मानव तस्करियां हो रही, रेत चोरी हो रही है, सागौन की तस्करियां हो रही है, और शिक्षा नीति को मिटाया जा रहा है, इन सब नीतियों को लेकर और महंगाई के विरोध में किसानों के मान सम्मान को लेकर हम लोग बहुत जल्दी आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन को हम लोग सफल बनाएंगे और मध्य प्रदेश शासन SC ST OBC और भारतीय संविधान को बचाने का हम लोग प्रयास करेंगे, जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। पीछे साथियों मैं तो करते थी कि जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है और क्षेत्रीय समस्याओं को भी लेकर ज्ञापन दिया है, तो आगामी समय पर अगर ये तमाम मुद्दे हैं जो अगर नहीं किए जाते हैं तो आगामी समय में तमाम इलाकों को में एक उग्र आंदोलन होगा और सभी संगठन इस पर साथ देने वाले हैं, और इन्हीं बातों को लेकर आज ज्ञापन था। और 24 जून था तो 24 जून के उपलक्ष्य पर आज बलिदान दिवस भी था। बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी बलिदान दिवस हमारे रानी दुर्गावती चौक खदरी चौक पर बनाया गया, और वहाँ से जिस तरह से परंपरा है हर साल की कि वहाँ पर ज्ञापन देने के बाद वो रानी दुर्गावती का माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर ज्ञापन किया जाता है, तो आज यही सिलसिला लगातार जारी रहा और ज्ञापन के माध्यम से आज शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है कि